अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 9 के हवाले से, जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला जारी है। और जनाब मैचेस का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया किसी हद तक एक्साइटिंग मैच रहा, तहम जिस तरह की क्रिकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह की क्रिकेट अभी तक देखने को नहीं मिली है। और अगेन जो लोकल परफॉर्मर हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये जो PSL है इसमें से कौन से ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी इस वक्त काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस उसकी नहीं है या उसमें नज़र नहीं आ रहा फॉर्म में कि जिसको देखते हुए कहा जाए कि एक बेहतर टीम जो है वो तश्कील पा सकती है। अब मुख्तलिफ नाम उसके अंदर हैं, बाबर आजम इस टीम के खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी फॉर्म भी ऐसी है कि उनकी टीम एक तरफ तो परफॉर्म कराएं मगर उसके साथ साथ उनकी टीम जो है वो मैचेस जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही। मिली जुली परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है। उसके अलावा नौजवान खिलाड़ियों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया उसमें किसी हद तक हमें बॉलर जो है और ख़ास तौर पर जो ये शाह ब्रदर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी हमें बेहतर निस्बतन नज़र आई है। बहरहाल मैच के ऊपर बात की जाएगी और आज भी जो मैच खेला जाएगा उसके हवाले से हमने बात करनी है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जो मैच है वो स्केड्यूल है, इसके ऊपर आगे चलकर बात की जाएगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था वो इस्लामाबाद की टीम ने 29 रन से जीत लिया और 20 ओवर्स के अंदर इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, और पेशावर ज़ल्मी की जो टीम थी 167 रन पर 9 विकेटों के नुकसान पर ये 20 ओवर्स में इस हदफ को चेज नहीं कर सकी। और जनाब जैसे अभी बात हुई शादाब खान जो इसके कप्तान हैं, 4 ओवर में 41 रन देके 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, 51 गेंदों पर 80 रन की शानदार इनिंग खेली। ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सलमान अली आगा दूसरे सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे थे, 25 गेंदों पर 37 रन बनाए। आजम खान इसमें 14 गेंदों पर 29 रन उन्होंने बनाए। साइम अयूब पेशावर की जानिब से 2 ओवर में 15 रन देके 2 विकेटें उन्होंने ली, बहुत शानदार आगाज़ भी उन्होंने फराम किया। मैच की पहली गेंद पर वो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। लूक वुड 4 ओवर में 34 रन देके 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। सलमान इरशाद ने 4 ओवर में 37 रन दिए और 1 विकेट हासिल कर सके। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो काबिल ज़िक्र कारकर्दगी है वो आमिर जमाल की है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी कर रहे हैं। 49 गेंदों पर 87 रन की अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। पॉल वॉल्टर ने 29 गेंदों पर 33 रन बनाए और TKC टॉम खोलर कैडमोर ने 14 गेंदों पर 12 रन बनाए। शादाब खान ने सबसे कामयाब बॉलर है बॉलिंग में भी, 4 ओवर में 41 रन देके 3 विकेटें। हुनैन शाह ने 4 ओवर में 25 रन दिए 2 विकेटें और रोमान रईस ने 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेटें हासिल की। ये मैच की समरी रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब जमील अहमद साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे जनाब सहीर अब्बास साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और एक बेहतरीन एनालिस्ट हैं, उनसे भी आज के मैच के हवाले से और जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया उस पर गुफ्तगू करेंगे। जमील भाई कल का मैच आपने देखा, निस्बतन बेहतर मैच नज़र आया लेकिन जो क्रिकेटिंग का जो मैार है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। सर कल के मैच से थोड़ी सी बात पहले शुरू करते हैं, ये कैसा मैच रहा है? पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारी सवालात उठ रहे हैं। स्टार्ट जिस तरह का फराम किया उससे तो लगता ही था कि शायद वो मैच में बहुत आसानी से वो काबू पा लेंगे, तमाम जो कुछ हुआ वो आपके सामने, मैं चाहूँगा ज़रा कल के मैच के ऊपर तबसरा हो जाए। जी देखिए कल का मैच जो था ना वो दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मैच था जी। अच्छा अब मसला ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतना ही जीतना था क्योंकि उसके 5 पॉइंट थे 6 मैचों में, तो वो जाहिर है कि आगे जाने के लिए उसको ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। अच्छा पेशावर ज़ल्मी के पहले थे 7 पॉइंट थे ना, अगर वो जीत लेता तो शायद वो मुस्तहकम हो जाती उसकी पोजीशन ना। ठीक है। अच्छा अब जब मैच स्टार्ट हुआ तो मतलब आगाज़ तो बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप देखें कि मतलब शुरू के अंदर ही जो है मतलब उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की 2 विकेट 28 रन पर गिर गई, समझे ना। और दोनों वो लड़के जो प्लेयर जिन्होंने पिछले मैच के अंदर 108 रन की पार्टनरशिप की थी कराची के किंग के खिलाफ, वो दोनों आउट हो गए। कोलन मनरो भी आउट हो गए, एलेक्स हेल्स भी आउट हो गए। फिर एक मरतबा शादाब ने जो इफ्तिताही मैच में जो इनिंग खेली थी ना, परफॉर्मेंस दी थी, उसको उन्होंने दोहराया है और 80 रन की इनिंग खेली है 51 गेंदों के ऊपर और 154 का उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, 4 चौके 6 छक्के, बहुत अच्छी मतलब लाजवाब इनिंग। उसके साथ एक प्लेयर की तारीफ करना होगी, वो है सलमान अली आगा, जो 37 रन की उन्होंने इनिंग खेली है लेकिन वो हर मैच में रन कर रहे हैं जी। मतलब
शुरू के अंदर उन्होंने मतलब 50-50 भी किए, 40 भी किए और वो कभी 30 भी करते हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर जो है ना होते बहुत काम के हैं। जो अगर ये देखें, आपका भी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है जी, अब T20 वर्ल्ड कप है जून के अंदर, तो आपको सलमान अली आगा जो है ना, इस टाइप के जो प्लेयर हैं उनकी आपको जरूरत पड़ेगी कि अगर चार नहीं तो दो ओवर कर लिए, 30-35 रन कर दिए तेज जाकर, क्योंकि इसका एक खास बात यह है कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। सलमान अली आगा जिस अंदाज में खेल रहे हैं वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो कि बड़ा खुश आइंद है। तो मैं समझता हूँ सलमान अली आगा की तारीफ करना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि उन्होंने भी बहुत जबरदस्त जो है ना मतलब ये उसके साथ, क्योंकि टीम उस वक्त जो है ना उनकी फंसी हुई थी, और फिर 29 रन आजम ने किए 14 गेंदों पर 207 के स्ट्राइक रेट से। तो आजम तो इसी तरह का, देखिए ये जो छोटी छोटी इनिंग होती है ना, ये एक ऐसा मजमू जो ना बोर्ड पे मतलब ये कि सेट कर देती हैं, जैसे 196 रन इन्होंने 20 ओवर में कर दिए ना, हालांकि दो विकेट गिर गई थी, लेकिन बाद में ये छोटे छोटे जो वो थे उन्होंने जो है मतलब ये कि एक इनकी पोजीशन जो है मुस्तहकम कर दी और ज्यादा विकेटें भी नहीं गिरी, 3-4 विकेटें गिरी। देखिए जो इनकी जो बॉलिंग है ना कल एक्सपोज हो गई है, अगर आप देखते हैं ना पेशावर जलमी की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल मतलब ये कल एक्सपोज हो गई है जिस तरह का आगाज दिया था। अब मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि साहिब अयूब ने दो ओवर में 15 रन देके दो खिलाड़ी आउट किए, आपने उससे ओवर ही नहीं कराए ना चले। अब जो लड़का अच्छी गेंद कर रहा है, ये क्रिकेट का उसूल है कि अगर जो अच्छे कर रहा है उसे करा लो, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अच्छा अब हम अब क्यों नहीं कराई मुझे नहीं पता, क्योंकि आने वाले जो वो थे बॉलर वो इतनी अच्छी बॉलिंग जो है ना वो तो नहीं, नहीं कर सके ना, जिसकी वजह से जो है वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनकी जो बॉलिंग है ना, क्योंकि अभी बीच के अंदर इन्होंने जैसे याकूब को डाला था, नवीन उल हक को डाला था, हसीब, तो इनकी कुछ टीम मुस्तहकम नजर आ रही, लेकिन कल के मैच के बाद ऐसा लगा कि ये टीम जो है बाबर आजम और साहिब अयूब पे खेल रही है। अगर वो करेंगे ना, क्योंकि जो टोटल उन्होंने सेट किया था उसको लग ये रहा था कि बड़ा जबरदस्त मैच होगा, जिस तरह की उन 18 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए उसके बाद। अब 18 रन पे 5 खिलाड़ी आउट होना सबके लिए हैरान कौन था, चले बाबर आजम तो रन आउट हुए, बकिया जो चार होती, अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये 100 रन भी जो ना वो ना कर सके। इस मौके के ऊपर आमिर जमाल ने जो है ना अपनी जो क्लास दिखाई है, 87 रन की इनिंग 49 बॉल्स के ऊपर उसने जो खेली है 174 के स्ट्राइक रेट से, लाजवाब इनिंग। मतलब ये कि उसने, देखें मैं आपको बताऊं, उस लड़के में यासिर भाई बड़ा पोटेंशियल है और वो लड़का एक अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। हम लोग 8 साल से 7 साल से फहीम अशरफ को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रायगा गई, वो बन के नहीं दे रहे, वो अभी भी नहीं बन के दे रहे, 6-7 मैच खेलनी है और वो मतलब नहीं। तो इस पे अगर सिर्फ एक चीज की जो मुझे कमी नजर आती है वो ये है, देखिए टेस्ट मैच की लेंथ तो बहुत अच्छी है, वहां आप देख लिया आपने ऑस्ट्रेलिया में, और क्वालिटी बॉलिंग के सामने आमिर ने वहां पर रन भी किए, इसका मतलब है कि उनके सलाहियत तो है, ऑलराउंडर है वो। अब सिर्फ जो T20 की लाइन और लेंथ होती है ना उसको जो है ना मतलब ये काम इनका है, आप NCAA में उनपे काम करें और क्या लाइन और लेंथ है, उस लाइन और लेंथ पे सिर्फ काम करा दें उसको। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत लंबे अरसे खेला, क्योंकि फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, सुपर फिट है। असल में बॉलिंग से अब तक ये अपनी जो ना मुतासिर नहीं कर सके, न्यूजीलैंड के अंदर भी जो सीरीज, वो जो 5 मैचों की सीरीज थी वहां भी खिलाया इनको, तो वहां पे भी वो इतनी अच्छी मतलब, तो ये काम इनका है। देखें फील्डर अच्छे हैं, बैटिंग लोअर ऑर्डर में आके वो मतलब कर सकते हैं, तो अगर इन पे काम किया जाए ना तो मैं ये समझता हूँ जबरदस्त ऑलराउंडर, जिसकी हमें जरूरत भी है, जरूरत भी है। ये बड़ा अच्छा आपने नुकता उठाया है कि एक हमें ऑलराउंडर की जरूरत है, और जितनी इन्वेस्टमेंट हम फहीम अशरफ के ऊपर कर चुके हैं या जितने मौाक़े उसको दे चुके हैं, वाकईतन अगर उसके पास इतना टैलेंट होता इनकी तो बैटिंग पे एक बात और क्या जी प्लीज़ कहिए। देखें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी मुश्किल वक्त में रन किए और यहाँ पर भी मुश्किल वक्त में रन किए, इसका मतलब है कि सलाहियत एक बात बिल्कुल ठीक है। इनके जो 3 प्लेयर सिर्फ ऐसे हैं जो डबल फिगर में गए जी, पॉल वाल्टर जो है ना वो गए, और टॉम कॉलर कैटमोर जो है ना ये 12 रन उसने बनाए, 33 रन इसने बनाए, बाकी सब जो है वो
कोई डबल फिगर में ही नहीं जा सका। 167 रन जो है फिर भी इन्होंने मतलब बना लिए, उसके जाहिर है एक पार्टनरशिप लगी है और वो तकरीबन एक 100 से ऊपर की पार्टनरशिप है जी। ये क्या कहते हैं आमिर जमाल की और क्या कहते हैं पॉल वॉल्टर की, जो इस वरना तो 100 भी नहीं हो रहे थे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बहरहाल ये अब आप आने, एक फायदा इसको ये होता है इसमें कि जब आप करीब जाते हैं ना तो आपका नेट जो रन रेट होता है ना वो बेहतर रहता है। बिल्कुल सही बात है ये, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप क्लोज मैचेस हारें लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, और फिर आगे जाके जब डेथ स्टेजेस आती हैं तो उस वक्त फिर ये जो है ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब पॉइंट्स टेबल पे ऑलमोस्ट जो है वो दोनों साथ साथ ही हैं, लेकिन वो रन रेट क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेहतर है तो तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है वो टीम आ चुकी है। मुल्तान सुल्तान, देन कोटा ग्लैडिएटर्स, देन इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पिशावर जर्मी, और बॉटम आउट कर रही है फिर कराची की टीम और लाहौर कलंदर्स। तो ये पॉइंट्स टेबल की इस वक्त सिचुएशन है। बट अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया, साइम अयूब को यूटिलाइज कराया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर जैसे ये बात हो रही है कि जब कोई बॉलर अच्छी गेंद करता है, बहस तो ये होनी चाहिए थी ना कि दो ओवर बचा लेते आखिर में करवाते अगर वो इतना इफेक्टिव था, लेकिन ओवर को उसको सही तरह से नहीं कैपिटलाइज किया गया, बड़ी हैरान कुन बात है। फिर रनआउट का मैं इफेक्ट्स देख रहा था कि 40 दफ़ा वो अपने करियर में जो है पीएसएल के रनआउट हो चुके हैं। अब इसका क्या किया जाए आप बताएं, रनिंग बिटवीन द विकेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ख़ासतौर पे जब आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में आपका शुमार हो तो आपको इस एरिया पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और जब आपका मुकाबला दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से, विराट कोहली और इस तरह के खिलाड़ियों से है, तो उनकी जो बैटिंग का उनका खासा है वो उनके शॉट्स तो हैं ही, लेकिन जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उस जैसी रनिंग बिटवीन द विकेट हमने अभी तक देखी ही नहीं है। तो ये बाबर आजम साहब क्या सोच रहे हैं, ये तो बड़ी क्रिटिकल चीज़ हो गई, और ये चीज़ ठीक होती है कि रनिंग बिटवीन द विकेट आप नेट्स पे प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें क्या दोबारा बतानी होंगी या इस चीज़ को हाईलाइट करना होगा जमी भाई? नहीं, क्या नहीं, समझ में देखें बात ये, जितने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो अब वो कोई सीखने के मरहल से तो गुजर नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है अब तो सीख गए, पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं और बहुत बड़ा वर्ल्ड के अंदर एक बड़ा नाम, और इस वक्त वर्ल्ड के जो 3-4 टॉप बैट्समैन हैं उनका शुमार होता है। तो ये तो बेसिक है, ये तो जी। तो अब इसके ऊपर जो है मतलब आपने खुद काम करना होता है। देखिए दो चीजें होती है ना, फील्डिंग होती है ना, उस पर उसका प्लेयर का अपना इंटरेस्ट होता है, वो जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा वो बनेगा, फील्डर बनेगा। बिल्कुल ठीक। और ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट है इसके अंदर भी मतलब ये कि बहुत जरूरी होता है कि वो इस पे जो है ना खुद मतलब मेहनत करे, खुद काम करे तो ज्यादा है। अब इसमें जो कोचेज हैं या ये वो तो बेसिक जो नया लड़का आता है ना उसको सिखाते हैं ना, बल्ला बैट के साथ मिला के खेल ले और नीचे ड्राइव मार दे, बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी, डिस्कशन हम जारी रखते हैं, सहीर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सहीर भाई को भी जो है वो डिस्कशन में जो है वो शामिल करते हैं और उनसे भी जो है वो बात करेंगे। सहीर भाई बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी आपका भी बहुत। सहीर भाई ये अभी बात हो रही थी पिशावर जर्मी की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अभी एक नुक्ता जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले वो रनिंग बिटवीन द विकेट है। अब बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा दफ़ा रनआउट हो जाना तो ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। अब आजकल क्रिकेट में लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नेट्स के ऊपर, अब मैं देखता हूँ कि सीधा कम खेलते हैं, नेट के पीछे से जो है वो मारने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, और रनिंग बिटवीन द विकेट के बगैर तो अब क्रिकेट मुकम्मल ही नहीं है जितनी फास्ट क्रिकेट है। सहीर भाई बताइएगा ज़रा, बैक टू बैक रनआउट्स और ये करियर में 40 दफ़ा रनआउट हो जाना ये क्या इंडिकेट करता है, ज़रा फरमाइएगा। देखिए रनआउट होना तो मतलब आपकी टीम का मतलब खत्म कर देना जी, रनआउट को तो आप समझ लें खुदकुशी कहा जाता है जी। एक अच्छा रनआउट अगर हो जाए, अच्छा मेन प्लेयर, तो आपकी टीम की बैकबोन खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये रनआउट तो समझ लें एक लिहाज से खुदकुशी है, लेकिन अगर बाबर आजम जिस तरह रनआउट होते हैं, मतलब देखिए ना वनडे की अगर 2020 में और 2020 में हो रहे हो इस तरह तो रन उन्होंने लेने होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं पाकिस्तान टीम का एक वाइड प्लेयर हूँ जो खेल सकता हूँ आगे जी, लंबा जी। जिनके जो ऑन पे भी मार सकते हैं, ऑफ पे भी मार सकते हैं और सीधा भी मार सकते हैं। हमारा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अपना मुझे बताएं जो एक किसी प्लेयर को भी ले लें कुछ एक तरफ अच्छा है जी। तो लेग पे कोई अच्छा मार रहा होगा, 99% आपने जितनों को भी देखा वो लेग पे भी लपेटने वाली बात होती है T20 में, क्योंकि वो कमिटी एक चीज कर रहे होते हैं कि जैसी बॉल आएगी मैं इधर मारूंगा। T20 में आप बैकफुट फ्रंट फुट बहुत कम जाते हो, ज्यादातर फ्रंट फुट पे इंतजार कर रहे होते हैं गेंद आ गई आएगी तो मैं मारूंगा। तो ये इस वजह से फिर वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक थोड़ा सा कम हो जाता है, इस वजह से मेरे ख्याल में रनआउट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो आपने सिंगल भी लेना है डबल भी लेना है। ये कोई कोच क्या सिखाएगा, कोच नहीं बताएगा ना, ये बैट
आप ड्रैग करें अपना, इसके अलावा और क्या बताएगा। ये तो जजमेंट है प्लेयर की, अगर सही। उसकी इतना इतने सारे क्रिकेट खेलने के बाद जजमेंट अगर गलत है, और वो इतनी करीब से मैं नहीं समझता वो रन कहीं से भी था जो बाबर आजम ने लिया, या उसको लेना चाहिए था, क्योंकि जब वो एक मेन प्लेयर होता है ना उसको बड़ा सेफ खेलना पड़ता है। क्योंकि देखिए बेशक वो थोड़ा सा उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता जा रहा है, तो फिर उसको उसको पता है कि भाई हम दो ही साई मयू पे काफी डिपेंड करने लग गए, क्योंकि वो नीचे से आके वो तेज खेलते हैं, ये नॉर्मल खेलते हैं तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही होती है, रन रेट भी अच्छा हो जाता है, फिर जब प्लेयर सेट हो जाते हैं तो फिर मारना शुरू कर देते हैं। तो शुरू के देखिए ना इतना मुश्किल विकेट नहीं था, अगर ये 3 ओवर सर्वाइव कर जाते बैट्समैन तो मैं समझता हूँ ये 8 विकेटों से 9 विकेटों से 7 विकेटों से मैच जीत जाते हैं। विकेट था नया बॉल, देखे ना दुनिया का कोई भी विकेट हो शुरू के 1-2 ओवर जरूर खेलते हैं, और आपको पता है नसीम साहब बुरे बॉलर नहीं है और दूसरे भी बॉलर सब जगहों पे खेल रहे हैं, तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट दें उन लोगों को। जब तक आप बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक जी जी सगी भाई। अच्छा आवाज मेरे ख्याल में जो ओके ओके दोबारा से कॉल करते हैं जी। जमी भाई ये सिचुएशन है जिसकी सहीर भाई ने निशानदेही की, प्लेयर को खुद वर्क करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में अब ये बैठ कर डिस्कस करना कि बाबर आजम रन आउट क्यों हो रहा है, ये तो बाबर आजम को सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहा है और किस तरह क्रिकेट खेल रहा है। फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो उठना शुरू हो गया, आपसे नहीं काफ़ी अरसे से उठ रहा है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा अब ज़रा साई मयूब की तरफ आए और नसीम शाह को जब हमने देखा कि स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, यकीनन ऑफ द पिच मूवमेंट बड़ी थी, सीम बड़ा अच्छा हो रहा था गेंद और फिर दोनों तरफ गेंद जा रहा था, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटर के लिए, चाहे साई मयूब होता या दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होता, इतना आसान नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? और फिर नसीम के कमबैक के हवाले से बात हो रही थी, आपको लगता है उसका कमबैक हो गया है, वो अपने रिधम में वापस आ गया है, क्या कहेंगे? देखें ये जो खेल रहे ना नसीम शाह, ये मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अब ये अच्छी खासी मैच प्रैक्टिस उनको जो है ना मतलब मिली है, और देखें आपने देखा था कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना नसीम शाह के ना होने से हमारी पूरी बॉलिंग जो है ना वो बैठ गई थी, और जिसे देखो जी नसीम शाह। और हकीकत बात यह है कि आपकी जो टीम है उसके अंदर इस वक्त नसीम शाह जो था जब अनफिट हुआ है तो वो उस वक्त जो है ना हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी भी ज्यादा बेहतर गेंद कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप तो उसके अनफिट होने से वर्ल्ड कप में हमें वो हुआ नुकसान हुआ। अब ये फिट होकर आए हैं और ये इसमें खेल लें तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम के अंदर आप मुझे नजर आ रहे हैं आते हुए, तो जितना ये खेलेंगे उतना रिदम। अभी जो जाहिर सी बात है कि अब न्यूजीलैंड ने यहाँ आना है, क्या कहते हैं अप्रैल के मिड में, ठीक है ना, फिर इन्होंने इंग्लैंड जाना है, तो इंटरनेशनल जो मैचेस हैं उसके अंदर भी जो इंटरनेशनल मैच और डोमेस्टिक में जरा फर्क होता है ना। अब इंटरनेशनल मैच में आएंगे और किस तरह की, क्योंकि नया गेंद तो वो बहुत अच्छे करते हैं। सगीर भाई जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे कि नया गेंद जो है ना, जाहिर है वो बॉलर तो अच्छा है ना जी, तो अगर उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देते वो भी अच्छा है। रुमान रईस भी ठीक बॉलिंग करता है, हुनैन शाह भी मतलब ये कि उसने भी दो खिलाड़ी आउट किए, रुमान रईस ने दो खिलाड़ी आउट किए, शादाब ने 3 खिलाड़ी आउट किए, 1 खिलाड़ी नसीम शाह ने आउट किया, 1 रन आउट हुआ है। तो असल जो मेन जो बात है ना वो ये है जो आप कर रहे थे ना, ये सगीर भाई कर रहे थे कि बाबर आजम को 1 रन के लिए अपने विकेट नहीं गंवानी चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसा प्लेयर है, अगर वो खड़ा रहेगा तो पूरी टीम जो है ना, देखिए ना बाद में अगर आकर आमिर जमाल जो है ना वो 87 रन की इनिंग खेल सकता है, पॉल वॉल्टर जो है 33 रन की इनिंग खेल सकता है, तो ये ऊपर वाले अगर प्लेयर जो है ये अगर होते तो बिल्कुल सही बात है, ये मैच कोई भी जीतता लेकिन मैच बहुत दिलचस्प होता, मैच दिलचस्प होता। अच्छा अब ये सहीर भाई आपकी तरफ आता हूँ मैं जरा, कि ये गेम प्लान क्या होता है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? 190 बोर्ड पर लगते हैं और बैट्समैन जो है वो प्रेशर में आना शुरू हो जाता है, और फिर ऊपर से अगर कोई एक आध मुश्किल ओवर स्टार्ट से ही आ जाए तो फिर वैसा ही होता है जैसे कल हमें नज़र आया, एक के बाद एक विकेट जो है हमें जाती हुई नज़र आई। कैसे प्लान किया जाए, क्योंकि ये जो मॉडर्न क्रिकेट है इसमें तो बैटर्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं लेकिन ये स्मार्टनेस की बड़ी हमें कमी नज़र आती है अपने खास तौर पर बैटर्स में। जब वो प्रेशर ले लेते हैं तो वो इतना स्लो खेल जाते हैं जैसे हम शान मसूद को देख रहे हैं, और कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम देखते हैं साई मयूब की तरह पहले ओवर में आउट हो जाते हैं। तो क्या किया जा सकता है सगीर भाई, जरा फरमाइएगा। फील्डिंग क्यों ली आपने इसलिए लिया, विकेट तो इतनी बुरी नहीं थी, आपको पता है कि होश भी नहीं गिर रही, बादल हैं और आजकल ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो उसमें इतनी होश नहीं गिरती,
जब बिहेवियर दोनों टाइम में एक ही रहना है विकेट का, तो आपने टॉस जीत के बैटिंग इसलिए ली ना कि आपको विकेट का बिहेवियर पता चल जाए नेक्स्ट इनिंग में आपने क्या करना है जी, उस तरह प्लान कर रहे हैं ना। आपके पास टैंक्स हैं, आपके पास कोचिंग है, आप कप्तान खुद माशाल्लाह इतना खेलते थे, तो उसने विकेट देखी। देखिए विकेट में तो हमने ये असेस किया कि शुरू के दो तीन ओवर, मतलब हम जैसे उन्हें यहाँ पे बैठ के असेस कर लिया कि दो तीन ओवर खतरनाक होंगे और ये सर्वाइव कर गया तो मैच जीत जाएंगे ये लोग बाबर लोग। लेकिन उन्होंने पता नहीं अंदर जाके किस चीज का प्रेशर था, एक ओवर का प्रेशर था जो नसीम शाह ने तेज भी किया और गेंद हिला भी, तो यकीन है ओवर का प्रेशर जरूर होता है। लेकिन जब आदमी इतना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर वन आप हो, चलो साइम का समझ में आता है अभी नया है, ठीक है, उसको अंदर आ रही बॉल थी थोड़ी ऊंची गेंद आ रही तेज आ रही थी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो गेंद हिल रहा था। इसलिए वो अच्छे प्लेयर है, लेकिन ये कि उनको भी अभी टाइम लगेगा, अभी हम आप सही रनवर से उनको नहीं मिलवा सकते जो हमारे प्लेयर उनको फौरन ही मिला देते हैं। जी आपने सही कहा, बड़ी जल्दी मुकाबला शुरू कर देते हैं। वो बहुत बड़े प्लेयर थे जी, ये तो अभी हमारे बच्चे हैं, ये साइम अयूब हो गए उनके सामने, ये वो बात क्लास नहीं आ सकती, आ जाएगी जरूर, बड़े प्लेयर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। आप अभी से उसको सईद अनवर बना दोगे तो उससे अपने पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या मुझे तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, मैं उसी की तरह खेलने की कोशिश करूँ या उतना रिकॉर्ड करूँ या रन करूँ हर मैच में, तो ये प्रेशर एडिशनल हो जाता है प्लेयर पे जी। तो टॉस जीत के आपने बैटिंग भी सही है की, आपने विकेट देखी, दो चार ओवर आप खेले, ये तो आपको असेस करना पड़ेगा। आपके जो कोचिंग इतने सारे हैं वो असेस करेंगे कि भाई अंदर जाके देखें, विकेट रीड कोई नहीं कर सकता, बहुत आसान नहीं होता विकेट रीड करना किसी के लिए भी, वो क्या बिहेव करे आपको क्या पता है। लेकिन जब आपको सेकंड उसके फर्स्ट इनिंग में बिहेवियर पता चल गया फिर तो आपके लिए इजी हो जाता है ना जी जी, वहां से आपने स्ट्रेटेजी बना सकते हो, तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा। अब बिल्कुल आप बच्चे तो है नहीं, क्या आपको पता ही नहीं विकेट क्या कर रही है, अच्छा खेल रही है बुरा खेल रही है, लेकिन आपने एक ही तरह क्रिकेट खेलनी है ऐसा नहीं होता, आपको रन के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कम है तो उस हिसाब से करनी पड़ती है, ज्यादा है तो उस हिसाब से करनी पड़ती है, रन रेट क्या है उस हिसाब से करनी पड़ती है, हर मैच की अलग अलग होती है, बिल्कुल सही, आपको बैठना पड़ता है उसके लिए। हाँ अगर आप ये समझे मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ मुझे जरूरत ही नहीं इस चीज की, जो कि वो सब प्लेयरों की गलत फहमी होती है, क्रिकेट है कंपेटिटिव क्रिकेट है, आसान क्रिकेट नहीं होती, कोई सी भी खेलना इतना आसान नहीं होता, बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता, बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता, एक छक्का एक चौका पड़े एक चौका पड़ जाए पहली बॉल पे तो बॉलर के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, सोचता है मैं कैसे बचाऊं। तो ये क्रिकेट है, इसमें एंजॉय भी करता है आदमी, फिर यही तो कंपटीशन है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, आपने किस पोजिशन में क्या करना है किसमें नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमीन भाई आपकी तरफ आऊंगा, सहीर भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, यहाँ पर आपको क्रिकेट अगर आप इंजॉय कर रहे होते हैं ना तो फिर आप इम्प्रोवाइज भी सही करते हैं और खुलकर खेलते हैं। अब वो मैं पता नहीं कि क्या सोचकर अली जफर का एक गाना इन्होंने बनाया है खुलकर खेल, लेकिन वो खुलकर खेलने के लिए तो कोई तैयार नहीं है शायद, इसीलिए उसको गाने में जो है वो ये बोल शामिल करने पड़े कि खुल के खेल, वो कब तक तू डरेगा, मेरे ख्याल में इनको देखते हुए ही वो बनाया गया है। तो वो इस चीज़ को तो रियलाइज कर रहे हैं कि खुलकर नहीं खेल रहा है और ये प्रेशर उन पे नज़र आता है। एक यही सवाल आपसे भी है कि वो एक प्रेशर नज़र आता है, वो एक 30 गेंदों के ऊपर 22 रन कर रहा है कप्तान, दूसरी तरफ वो रन आउट हो रहा है, तो ये चक्कर क्या? और फिर अगेन टॉस जीता है आपने और टॉस जीतकर आपने उनको बैटिंग करवा दी, और बैटिंग करवाने के बाद अगर स्ट्रगल ही करना है, पूरी तरह से आप कोलैप्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये कि स्ट्रेंथ का पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ लाई करती है। आपने पार्ट टाइम बॉलर को पहला गेंद देकर एक्सपेरिमेंट किया, वो इत्तेफाक से कामयाब हो गया, बट रिजल्ट आपके सामने। जी देखिए इनकी बैटिंग में मसाइल तो हैं, क्योंकि ऊपर से अगर रन नहीं होते ना बाबर और क्या कहते हैं साइम अयूब अगर रन नहीं करते तो इन्होंने मतलब ये कि हारिस को भी खिला के देख लिया, मोहम्मद हारिस को। अच्छा इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं अपना इसको आसिफ अली को भी देखा खिला के ना, आसिफ अली से भी मतलब परफॉर्म नहीं हुआ, नहीं हो रहा। हाँ तो इनकी जो मिडिल ऑर्डर खासतौर पर बैटिंग है ना, देखें पावल जो जो रोमन पावल जो है ना उसने दो तीन मैचों के अंदर एक 30-30, 40-40 रन की अच्छी इनिंग खेली जरूर है, वो है। उसका फायदा इसलिए हो गया कि ऊपर से रन हुए हुए थे तो एक टोटल जो है ना वो सेट हो गया, तो ये दो मैच जो है ना लगातार जो है ये मतलब जीत गए थे। लेकिन जिस तरह चलनी चाहिए ना मतलब पूरी मतलब ये बैटिंग वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है कि वो चल रही है आपके मुल्तान सुल्तान की ऊपर के। देखिए ना अब इन्होंने मतलब अगर आप देखें डेविड मेलान को इन्होंने मतलब बिठाया जी, उस्मान खान को खिलाया वो रन कर रहे हैं, तैयब ताहिर को खिलाया वो रन कर रहे हैं, दूसरी जो टीमें हैं ना उनकी बैटिंग के अंदर जो है ना वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब कल की आप ले लें ना मिसाल,
पिशावर जलमी के सात लड़के जो है वो डबल फिगर में नहीं जा सके, तीन लड़कों ने सिर्फ मतलब ही। तो जब तक मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ये अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर ऊपर वाले नाकाम हो गए, 18 रन पे 5 विकेटें गिर गई थी उनकी, अगर वो नाकाम हो गए तो नीचे, अब नीचे को जो बैट्समैन है वो भी अगर नहीं करें, भाई ये तो एक ऑलराउंडर है ना जी, इसने जी, कर दिए 87 रन आमिर जवाल ने ना, लेकिन जो इनकी बैटिंग है वो कब करेगी रन? असल चीज ये पिशावर जो है ना, पिशावर जो, अच्छा बॉलिंग देख लें आप, 196 रन करा दिए, बिल्कुल। अब 196 रन कराने के बाद उसको, मैं आपको बताऊं ये खेलते भी ना तो मैच जरूर मतलब अच्छा होता है, लेकिन उनकी जो कि बॉलिंग जो है ना इतनी बुरी नहीं है, और ऑप्शन बहुत है उनके पास, इस्लामाबाद के पास ना, मतलब नसीम शाह के अलावा आप देखें रोमान रईस है, हुनैन शाह है, फिर क्या कहते हैं कप्तान खुद है शादाब कबीर है, फिर ये सलमान अली आगा है, इमाद वसीम है, फहीम अशरफ है, सात लड़के तो इनके पास, इनका बॉलिंग ऑप्शन तो बहुत है इनके पास, तो इनके लिए वो होता, लेकिन आप मैच को आगे तो लंबा तो करो, लेकिन मसला ये है कि वो तो अगर 18 रन पे 5 विकेटें गिर गए तो आप तो खत्म हो गए ना, बैकफुट पर आ गए आप, ये तो दिलचस्प उन्होंने कर दिया 87 रन बना के 160, वरना ये लग रहा था कि जैसे 100 भी नहीं हो पाएंगे। अभी सूरत हाल ये है कि टॉस जीतकर जो पेशावर जलमी के कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने बल्लेबाजी का जो है वो फैसला किया है, और अब देखना ये कि वो कितना बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर सेट कर पाएंगे। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ये मैच खेला जा रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और अब ये देखना होगा, जैसा भी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि अब अगर स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है तो आपको करके दिखाना होगा, और गुज़िश्ता रोज़ जो स्कोर पहली बैटिंग करते हुए टीम ने लगाया है अब आपको उसके करीब करीब रन लगाने होंगे, और ये बात तो तय है कि अगर विकेट के ऊपर 190 और इससे प्लस स्कोर हो रहा है तो वो बैटिंग के लिए फिर भी फेवरेबल है। अब दूसरे हाफ में ज़रा गेंद, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छा था नसीम शाह ने बड़ा अच्छा बॉल को यूज़ किया ऑफ द पिच, मूवमेंट भी नज़र आ गई, सीम भी अच्छा हो रहा था गेंद, तो वो उसको एडवांटेज था बॉलिंग का, अगर पहला एक दूसरा ओवर सरवाइव कर जाते तो सिचुएशन मेरे ख्याल में। संगीत भाई ठीक बात कर रहे थे ना भाई, अब जो आपने दूसरी इनिंग के अंदर आपको दो तीन ओवर शुरू में, अगर आप पहले टॉस जीत के पहले अगर बैटिंग कर लेते और दो तीन चार ओवर अगर आप, लेकिन वो नहीं कर सके ना, सर्वाइव नहीं कर सके, तो उसका अब देखें, अब इन्होंने टॉस जीता है ना, बैटिंग करने का फैसला किया, अब ये क्या टोटल मतलब ये सेट करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि अभी अभी जो है ना, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कल रन हुए हैं मौसम में तो कोई तब्दीली नहीं आई है, और पिच भी अच्छा खेल रही है, और वहां की बाउंड्री जो है ना वो छोटी है, तो 180 और 200 के दरमियान जो है ना रन होना बहुत जरूरी है। अच्छा सहीर भाई, ये अब मेरे ख्याल में अब समझ में आ गई है शायद, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का जो है वो फैसला किया है, इसको कैसे देख रहे हैं आपके ख्याल में, क्या आज उसको डिलीवर कर पाएंगे, और ये जो पिछले मैचेस की गलतियां हैं उससे कुछ सीखा होगा, या एक और सवाल इसमें ये शामिल कर दूं कि क्या अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमारी स्ट्रेंथ किधर है, आया बॉलिंग है या बैटिंग है, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। जी सहीर भाई, देखिए बिल्कुल आपको अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, अगर आपकी बॉलिंग कमजोर है तो यकीनन मैं भी यही चाहूंगा कि जी पहले बॉलिंग कर लूं, रन बन रहे हैं जितने 100, 150, 200 उसको चेस करूं, क्योंकि मेरी बैटिंग लंबी है, ठीक है। लेकिन बैटिंग लंबी का मतलब ये नहीं होता कि अंधाधुन फायरिंग कर दो जाते खड़े होके, जब तक आप खड़े नहीं होंगे विकेट पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो दुनिया का असूल है कि आपने खड़ा होना है तो स्कोर करना है, अगर आप समझते हैं बगैर खड़े हो उल्टा सीधा बल्ला घुमा के आप स्कोर कर लो, एक दो लग जाएंगे, बाकी अच्छे शॉट नहीं लगेंगे। यकीनन देखें अगर ये किसी भी टीम पे अगर आप 200 रन करते हैं पहले बैटिंग करके तो प्रेशर तो होता ही है, चाहे आपकी जैसी भी बॉलिंग हो सेकेंड इनिंग में आपने बॉलिंग करनी है, लेकिन उस वक्त दो तीन अगर आउट हो जाए तो आपसे प्रेशर आ जाता है, जैसे इन पे आया कल और उसने स्कोर कर दिया था नीचे से, लेकिन इतने उनके 5 आउट हो गए थे, वो रन करने बहुत मुश्किल थे, कहां तक वो एक, देखिए दोनों तरफ से अगर रन हो रहे होते फिर शायद होते कहीं पाते ये लोग, वो एक ही आदमी रन कर रहा था उनका वो खबर पूरा आउट हो गया था, तो फिर और प्रेशर आ गया, ज्यादातर मारने नहीं पड़ रहा था, कितना ही मार लेता, काफी हद तक मारा, बहुत शॉट खेला वो जी, लेकिन ये होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे जाएं, टॉस जीत के वो काफी हद तक आप उस पर कामयाब हो जाते हो, ना कि आप उस पर ऑपोजिट जाएं जाके उस पर आप कोशिश करें करने की, एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करें जब आपकी टीम ऑलरेडी क्वालिफाई की हुई है, क्योंकि देखें ना नॉकआउट बेसिस पे तो आपको आपको बैटिंग भी आ सकती है बॉलिंग भी आ सकती है, लेकिन वो यही है कि आप स्ट्रेंथ पे जाएं, हाँ आपको मौका मिले जब आप क्वालिफाई कर रहे हो या आप समझते हो कि टीम आगे नॉर्मल है तो आप उसके एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे तो सिर्फ कराची में टीम सबसे हल्की नजर आई है जो कि सीधी सीधी बात है, और बाकी ठीक है ऑलमोस्ट बराबर नजर आई है, लेकिन वो
कुछ कप्तानियों की गलतियां हुई है, लाहौर में तो बहुत गंदा कप्तानी की गई है जो कि मैं समझता हूँ, और कराची में भी थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, और उसके अलावा क्या नाम है एक और टीम थी मुल्तान है कौन सी है इस्लामाबाद ने भी जी जी अमूमन बैटिंग ऑर्डर बड़े गंदे किए हैं, वो उनके वो सेटल बैटिंग ऑर्डर नहीं है। देखिए होता ये कि अगर जो जिसका बैटिंग ऑर्डर होता है अगर आपको उसमें भेज दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, अल्लाह से आपके दो चार ओवर रह जाते हैं आपको स्लॉगर टाइप के प्लेयर भेजने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपके नीचे वाले अच्छा खेल जाते हैं तो फिर अगर बीच में आउट करते हैं तो वो जाके वो कवर वो मार सकते हैं ज्यादा अच्छा, क्योंकि स्लॉगर उनका काम ही है। लेकिन अगर फर्ज करें इस तरह होता है दूसरे तरीके से फिर वो मसला दूसरा हो जाता है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। भाई मुल्तान की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे देखते हैं? ये वही टीम है कि जो अपना जो ऑप्शन इस्तेमाल करती है वो इनके हक में जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ी अजीब सी बात है, पिछले सीज़न में उससे पहले सीज़न में भी, कि जिस खिलाड़ी को वो इन कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार कर रहा होता है कि मुझे ग्राउंड में उतारा जाए और वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे जाता है, और ये सिर्फ मैज मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ ही है, बाकी मानदा खिलाड़ियों में या टीम्स के अंदर जिसको भी मौका दिया जाए वो फेलियर की तरफ ही जाता हुआ नजर आता है, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, ये जो इनका जो टीम कम्बिनेशन है ना ये शुरू के अंदर ही बन गया बन गया है इसका और क्वेटा ग्लेडिएटर का। देखें इनकी पूरी जो इनके अगर आप बैटिंग देखें ना ये सब वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, दो तीन मैचों में इफ्तिखार ने नीचे से आके रन किए ना, देखें ऊपर से रिजवान है, अच्छा डेविड मेलान को खिलाया, उसके बाद उनको ड्रॉप करके इन्होंने उस्मान खान को खिलाया, उस्मान खान ने तीन मैचों में 14, 96 और क्या कहते हैं 106 216 रन उसने तीन इनिंग के अंदर मतलब ये के बना दिए। आज के मैच में वो अवेलेबल नहीं है जो मैच हो रहा है मुल्तान सुल्तान का क्या पिशावर जलमी से, तो वो शायद यूएई गए हुए तो वो शायद 10 तारीख वाला मैच खेलेंगे, वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह आज डेविड मेलान खेल रहे हैं इसके अंदर टीम के अंदर। अलबत्ता पिशावर जलमी ने तीन चेंजेस किए हैं उसके अंदर, जो ना हसीबुल्लाह को आज खिलाया है, मोहम्मद आसिफ को आज मतलब उन्होंने शामिल किया है, और एक जो है ना वो जो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में बोलता रहा हूँ कि मेहरान मुमताज जो लड़का है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो लड़का बहुत जबरदस्त बॉलर है और वो एबटाबाद से उसका ताल्लुक है, लेकिन जो अभी नेशनल T20 हुई थी उसमें उसने बहुत अच्छी मतलब बॉलिंग की थी, तो मैं इंतजार कर रहा था कि इसको कब मौका मिलता है जी। तो आज इन्होंने आरिफ याकूब को ड्रॉप किया है और मेहरान मुमताज को खिलाया है, क्योंकि हमें जो है ना एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत है। देखिए ना तो आप नवाज को देख लें, कराची से खेल लें ना, कराची किंग से उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें कुछ भी नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं है। इमाद वसीम को देख लें उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। तो अगर ये लड़का अगर अच्छी बॉलिंग और ये कर जाता है समझे ना, तो क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है इस वक्त कि हम जो ना ये लड़का बहुत अच्छा है मेहरान मुमताज, ये बैटिंग भी कर लेता है, तो आप देखते हैं आज के मैच में ये किस तरह की मतलब बॉलिंग करते हैं, वरना फिर आपको उसी नवाज पे उसी माद वसीम पे तकिया करना पड़ेगा उनको, मैं क्योंकि एक वो है ना मतलब लेके जाना होगा आपको, बाकी तो लेग स्पिनर का ऑप्शन तो बहुत है आपके पास, तो ये जो शादाब जो है ना खुद मतलब एक अच्छी कर रहा है बॉलिंग, फिर अबरार अच्छी कर रहा है जी, और फिर ये जो अपना मोहम्मद याकूब है आरिफ याकूब जिसने अच्छी बॉलिंग की है, तो ये दो तीन आपके पास लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर तो आपके पास टीम में है ना, इफ्तिखार भी इंशाल्लाह होंगे सिलेक्ट, और जिस तरह की कारकर्दगी सलमान अली आगा की है वो भी मुझे लगते हैं T20 के अंदर, तो ये दो तो गेंद करते हैं ना ऑफ स्पिन पे, साई मयूब भी करते हैं, तो आपको लेग स्पिनर तो और ऑफ स्पिनर तो आपके पास है, और फास्ट बॉलिंग का भी मतलब खान में इतना वो नहीं होगा, जो आपको वो आएगी ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो ये दोनों हैं, ये दोनों जो है ना मतलब इस PSL में तो कम से कम जो ना इनकी कारकर्दगी जो है ना वो बहुत खराब है दोनों की, इमाद वसीम की भी और क्या कहते हैं मोहम्मद नवाज की भी। अच्छा ये खिलाड़ी बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर बात हो लेकिन ये परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात है, एक सीजन मेरे ख्याल में काफी होता है फॉर्म वापस लाने के लिए, अगर से आप फिजिकली फिट हैं, अगर फिजिकली फिट नहीं है तो शाहिन शाह आफरीदी वाला केस है कि आप कुछ भी कर लें, कप्तानी वगैरह में गलतियां तो होंगी, कप्तान तो खैर वो वैसे भी नहीं है, लेकिन बॉलिंग में भी अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो उसकी वजह यही है, इंडिकेशन क्लियर यह है कि उसके साथ फिटनेस का मसला है, जो कि आप जितना उसको कोशिश करेंगे वो कैमोफ्लाज करने की उसको, लेकिन वो नहीं हो पाएगा वो तो नज़र आ रहा है। लास्टली इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सगीर भाई ज़रा फरमाइएगा, अब कप्तान तो आपने बना दिया है और ऐसा लगता भी नहीं है कि आप कप्तान तब्दील करें, तो आपको क्या देखना होगा कि कोई अगर मिरेकल हो जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या फिर आगे इंग्लैंड के अगेंस्ट, अगर कोई T20 में तो फिर वो रिटेन करेगा, या फिर अभी भी गुंजाइश है आपके ख्याल में अगर वो लूजिंग एंड पर होता है तो आपको कप्तान इसी को वर्ल्ड कप तक लेकर जाने, क्या कहेंगे सगीर भाई?
देखिए पहले तो मैं अहमद वसीम की बात करूंगा, यकीनन उसमें तो दूसरा हमारा जो है क्या नाम है इसका लेग स्पिनर जिसकी आप बात कर रहे हैं, नवाज, मोहम्मद नवाज, नवाज, जी जी हाँ नवाज, वो तो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेकिन अहमद वसीम को जो है देखिए चांस प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, कभी उसको आठवें नंबर पे बैट किए होते हैं, कभी सातवें नंबर पे। वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बड़े यूजफुल प्लेयर है, वो सीधे सीधे बहुत अच्छे शॉट मार सकते हैं और बॉलिंग में भी उनको कभी कभार ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको सही टाइम पे यूज किया हो, ठीक है। बॉलर का टाइम, बॉलर भी है, बैट्समैन भी, जब आप अगर आप बैट्समैन को ओपनर की जगह सातवां नंबर भेजोगे जी 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 तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सही, ऑलराउंडर। लेकिन और मैं ये नहीं कहता कि उसको वहां पे नहीं करना चाहिए, जहां पे उसको चांस मिलता है नहीं करना चाहिए, करना जरूर चाहिए एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल आपको हर जगह एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन जो अगर उसको प्रॉपर नंबर मिलेगा, अभी वो वेस्ट इंडीज लीग खेले वहां पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, कई मैच भी जितवाए जी, जी। उनको तो बिल्कुल ही साइडलाइन पेनल्टी लगा दिया गया, तो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तान के लिए भी, उनको पता नहीं क्यों साइडलाइन लगा दी। हमारी जो पॉलिटिक्स है ना ये बहुत बुरी है जी। अच्छा प्लेयर हमारी टीम तो खुद ही नहीं बनने देते ना, जब एक टीम बन रही होती है दूसरी हमारी टीम कितनी अच्छी हो गई थी, बड़ा बड़ा बैलेंस्ड टीम हो गई थी वर्ल्ड कप से पहले, हमें पता था कि यार ये हो सकता है हमारा नंबर वन भी आ जाए, नंबर टू भी आ जाए, कि हमने ये नहीं सोचा था जो लास्ट टाइम हमारा असर हुआ है इंडिया में, इंडिया के खिलाफ भी और दूसरी टीमों में। आपने अपनी टीम खुद ही खराब करते हैं, मुझे ये नहीं पता क्यों खराब करते हैं। हाँ नसीम शाह एक बॉलर था जिसकी वजह से आप कहते हो आपकी बॉलिंग कमजोर पड़ गई, देखिए आने जाने से किसी का फर्क नहीं पड़ता, उसका नेमुल बदल भी होता है, लेकिन आपने वहां पे क्या परफॉर्म किया, और सारे बॉलर देखे उनकी गेंदें कितनी हिल रही थी, हालांकि वो जगह गेंद स्विंग करने वाली थी हमारी साइन से नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे ख्याल में शायद अनफिट थे, उनकी कमर जो मुझे एज ए कोच नजर आया, क्योंकि मैं कोच भी रह चुका हूँ हूँ अभी भी, तो उनकी कमर नहीं लग रही थी, और उनका जो नेचुरल इंस्विंग था ना जो तेज अंदर आता था जी। वो अब आता जरूर है, बहुत कम आता है, और वो एंगल नहीं बन पा रहा जो उनका पहले आता था, जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी बैट्समैनों को, जो उनको बल्ला ही नहीं उठाते थे, वो इनस्विंग के उसमें रहते थे, इनस्विंग आएगा तो प्लेयरों ने उनको देख देख के टीवी पे उन्होंने बल्ले ही उठाना छोड़ दिया था कि इनका तो इनस्विंग अच्छा तेज आता है, तो वो उनका वो बिल्कुल खत्म हो गया, उनकी लाइन बहुत आगे, जब एक आदमी का बॉलर स्विंग खत्म हो जाता है और वो आगे करता है तो यकीनन उसको मारने में प्लेयरों को ज्यादा आसानी होती है। देखिए ना वाइड विकेट की जो बॉलिंग होती है वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ से थोड़ी पीछे होती है, जहां पे घास होती है तो हम ये कोशिश करते हैं थोड़ी आगे हो कि हमें सीम स्विंग मिले, ये सारा है, लेकिन वो हमें इतना शाहीन में नजर नहीं आया। और एज ए कैप्टन देखिए कलंदर की जो फर्स्ट टाइम था वो जोश में थे, पहली पहली टीम थी उनकी, टीम भी बहुत अच्छी थी अभी भी है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई है, अब वो बात देखिए वो टीम में नहीं रहे। देखें जिसकी टीम अच्छी होगी लेकिन वो परफॉर्म भी अच्छा करेगा वो बहुत बैटर होगी कि कैप्टनसी, देखें कैप्टनसी का जो है बहुत फर्क पड़ता है उससे, देखिए माइक ब्रेडली थे इंग्लैंड के, वो सिर्फ प्लेयर क्या थे, वो सिर्फ कैप्टन अच्छे थे, तो उनको कप्तान इंग्लैंड का बनाया गया, उनके स्कोर और रिकॉर्ड देखे, लेकिन कैप्टनसी से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज बताऊं, टी ट्वेंटी में इतनी कैप्टनसी का इतना हाथ नहीं होता जितने वनडे और टेस्टों में होता है, टी ट्वेंटी तो बस एक मार धाड़ का खेला और उसको जो आपने डिसीजन ले लिया वो अच्छा हो गया, और वो डिसीजन अच्छा होता है जब आपकी टीम अच्छी हो, जब कंबाइन हो, आपके पास टीम ही आपकी कंबाइन नहीं होती, कितना लेकिन यहाँ तो मैचेस देखते हैं बड़े क्रूशल मैचेस के अंदर बॉलर को सही से इस्तेमाल करना वो चूक गए, बैटिंग ऑर्डर को सही जगह प्लेस कर देना उसको सही इस्तेमाल कर लेना वहां गलती कर रहे हैं। लाहौर कलंदर के अंदर हमने देखा बड़ी सिमिलर किस्म की मिस्टेक्स होती रही हैं कि नीचे मजबूत बल्लेबाज थे वो छोड़ के वो खुद बैटिंग करने के लिए चले आए और इस तरह की वो चीजें होती रही हैं, तो ये कप्तानी का तो समहाव रोल रहेगा, उसको कैसे नज़रअंदाज किया जाए, अब ये तो एक बड़ी मुश्किल सी बात हो गई है। और अगर प्रेशर में होगा जैसे अभी आपने खुद निशानदेही की कि बॉलिंग भी उसकी ठीक नहीं है, कमर भी नहीं लग रही है और उसका हमने फॉलो थ्रू भी देखा वो भी ठीक नहीं है, इसका मतलब है अलाइनमेंट भी सही नहीं है इस वक्त तो, लेकिन वो आप अगर उसको कप्तान बनाने पर बजित हैं तो फिर तो आप उससे रिजल्ट नहीं ले सकते, ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि कप्तान बगैर परफॉर्म किए टीम को जितवाना शुरू कर दे, चांसेस तो कम रह जाएंगे, फिर वो कोई स्ट्राइक बॉलर भी हो, तो ये इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। सगीर भाई अब वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, अब मैं आपका बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि आपने हमें जो है वो प्रोग्राम में वक्त दिया, सगीर अब्बास हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, आखिरी जुमला जी जमी भाई इसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे। देखिए सगीर भाई की बात मैं सुन रहा था, वो सही बात कह, हम खुद ही टीम अपनी खराब करते हैं ना, मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कप में अगर हम हार गए वहां पर, तो हम वनडे में हारे थे ना, तो हमने टी ट्वेंटी से भी हटा दिया, कप्तान से भी हटा दिया, सही है।
आप ये है ना, क्योंकि अभी तो उसके बाद वनडे 10 महीने के बाद होने थे, 1 साल के बाद होने थे, तो आप उस वनडे के उससे हटा देते ना कप्तानी से। टेस्ट मैच श्रीलंका के अंदर 2 टेस्ट मैच जो है ना, वो दोनों टेस्ट मैच जीत कर आया था बाबर आजम, आपने उसको टेस्ट उससे हटा दिया और T20 से, T20 में भी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी, तो हम तो खुद अपने हाथ से अपनी बनी हुई टीम खराब कर रहे थे। हम नंबर वन थे, हमने सरफराज जैसा कैप्टन था जो एक टीम को 11 सीरीज जो लगातार जितवा दिए, ये सारी चीजें रिकॉर्ड बना दिया हमने, अपने आप से खराब कर दिया अपने हाथ से। और वही लोग हैं आज फिर हमें जो है वो कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग अल्लाह खैर करेगा। वेल जमीन भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सहीर भाई का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे। और जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैच से खबर ये है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करेगी, और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर गुफ्तगू होगी। यहाँ पर आप इजाज़त चाहेंगे, मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।